आज के ब्लॉग में खुश आमदीद। अभी हमने इन ड्राइवर की पहली राइड उठाई है और पहली राइड है हमारी यहाँ बैरियर टाउन फेज 8 उस्मान ब्लॉक से। इनको I-8 लेके जाना है। एसी वाली राइड है, 1500 रुपये की राइड है, एसी वाली राइड है। अभी हम कस्टमर की लोकेशन पे जा रहे हैं और कस्टमर की लोकेशन पे पहुँच के फिर उसके बाद उनको ड्रॉप करके तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद आगे आपको बताता हूँ कि मैंने अगली राइड कौन सी उठाई है। सही है, इतना कुत्ता खसी है ना, यकीन करे। अभी राइड मैंने पिक किया ना इसी वाली, ठीक है। अब मैं कस्टमर के लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ, ठीक है। हो गया, और गाड़ी विदेशी खड़ी है और कस्टमर कहता है भाई 5 मिनट वेट करो। मतलब कि आप गाड़ी एसी के साथ आप ऑन करके खड़े रहो 5 मिनट, तो 5 मिनट में आपका कितना पेट्रोल वेस्ट होगा आप ये बताओ। 5 मिनट आप गाड़ी स्टार्ट करके खड़े रहें विद एसी, तो आपकी गाड़ी पे क्या पेट्रोल नहीं ज़ाया होगा? तो अगर मैं गाड़ी बंद करके खड़ा होता हूँ तो गाड़ी फिर गर्म हो जाएगी। सही है, फिर कस्टमर आके बोलेगा भाई आपकी गाड़ी में एसी नहीं है, एसी नहीं चल रहा। तो ये सीन है, मतलब आपने राइड बुक की है आप फौरन बाहर आए, तो ये वेट कराने वाला सीन मुझे समझ में नहीं आता। और मतलब आप अपने शेड्यूल के मुताबिक राइड बुक करें ना, अगर आपको पता है हम रेडी हैं तो राइड बुक कर दें, आप वेट कर लो, आपका कौन सा पेट्रोल लगेगा, ठीक है ना? तो अजीब है। खैर अभी खड़े हैं, एसी चला हुआ है और टाइम हो रहा है अभी 3:25। 1500 की राइड है I-8 की एसी के साथ, और ये मैंने कस्टमर की फेयर पर उठाई है, क्योंकि अगर मैं ना उठाता कोई और उठा लेता, ठीक हो गया। और मुझे तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया राइड नहीं मिल रही, क्योंकि लोग जो है ना कस्टमर की फेयर पर राइड उठा के भाग रहे हैं, चाहे वो मिनी है चाहे वो जो है ना एसी वाली है। अभी मिनी राइड आई है, ठीक है, बाहर की अमेजोन की, अमेजोन मॉल की, गीगा मॉल के पास। तो कस्टमर फेयर पे कोई ले गए, तो मैं चेक कर रहा था लोग क्या कर रहे हैं, और मैंने राइड डाल के भी देखी है लोग कस्टमर फेयर पे जा रहे हैं, हालांकि पेट्रोल महंगा हो चुका है, ठीक है। तो ये सूरत हाल है, जलालत इस टाइम टॉप पे है, गर्मी भी है और ऊपर से ये ड्रामे भी हैं। मैंने राइड उतार दी है, उन्होंने I-8 जाना था, तो लेकिन वो पहले उतर गए खना पुल में, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे थोड़ा वेट भी करवाया, गाड़ी स्टार्ट रही तो मैंने उनसे 1500 ही लिया, क्योंकि कमीशन मेरा 1500 के हिसाब से ही कटा है। अभी ये खाना बोल के पास जो है ना मुझे नेक्स्ट राइड मिल गई है, और ये राइड है 590 की राइड है। ये खाना बोल के पास अल नूर कॉलोनी से पैसेंजर को पिक करना है और इसको ड्रॉप करना है श्रीनगर के पास, हाईवे के पास पाकिस्तान मोन्यूमेंट पार्क है ना, वहाँ पे ड्रॉप करना है पाकिस्तान मोन्यूमेंट पार्क में। तो अभी ये है कि इनको मैं ड्रॉप करने जा रहा हूँ, अभी पिक करता हूँ पहले, फिर मैं आपको नेक्स्ट राइड के बारे में बताता हूँ। ड्रॉप कर दी है पैसेंजर को शकरपड़िया में, वहाँ से मैं I-8 के पास आया। I-8 से मुझे यकीन करें I-8 में मैं खड़ा हुआ और यहाँ पे मैंने देखा मुझे राइड नहीं मिल रही, तकरीबन मुझे आधे घंटे ज़्यादा हो गए 40 मिनट मुझे राइड नहीं मिल रही। तो मैंने जब फेक राइड डाली तो मुझे पता चला है कि यहाँ पे टोयोटा एक्वा खड़ी है, यहाँ पे करोला खड़ी है, यहाँ पे इवन एल्टस भी खड़ी हुई थी। तो मैंने कहा यार बेहतर यही है कि यहाँ से मैं चुप करके पिंडी निकल जाऊँ, छोटी राइड लेके वहाँ से फिर अगली राइड उठाता हूँ। अभी मैं पिंडी की राइड ली है 300 रुपये की, इस साथ ही जो है ना शमशाबाद की ड्रॉप कर दी लोकेशन, 300 रुपये ले लिए, साथ ही था 4 किलोमीटर का रास्ता रहा। तो अभी मुझे अगली राइड मिल गई है, ये 6 रोड से, 6 रोड से इनको पिक करना है, और गोल्डन जुबली जो सोसाइटी है बैरियर फेस 7 की गेट से पहले आती है, वहाँ पे इनको ड्रॉप करना है 600 रुपये में, तकरीबन 11-12 किलोमीटर का रास्ता है। तो अभी मैं इनको पिक करने जा रहा हूँ, फिर इनको ड्रॉप करके मैं आपको अगली राइड का बताता हूँ। मैंने राइड ड्रॉप कर दी है गोल्डन जुबली 600 रुपये की। अब अगली राइड जो है मुझे मिली है ये हाईवे के बाहर ही
7 किलोमीटर की राइड है, 450 रुपये की राइड है, 450 रुपये की राइड है बहरिया अंदर फेज़ 8 में लेके जाना है। तो अभी इनको फिर मैं ड्रॉप करते हैं, ये मेरी लास्ट राइड है आज और व्लॉग आज का छोटा है। तो अच्छा गाइस, राइड मैंने ड्रॉप कर दी है जो 450 रुपये की थी। तो बाकी है कि आज की आपको अर्निंग दिखा देता हूँ। अर्निंग मेरी है एक्चुअली 3145। तो इसमें जो है ना 300 जो है ना मिसिंग है। ये हुआ ये था कि राइड हुई थी और जिसने राइड कराई थी बाद में कैंसिल कर दी थी, लेकिन मैंने राइड को ड्रॉप कर दिया था, पेमेंट ले ली थी, ठीक है। तो ये मुझे आज की अर्निंग हो जाएगी, फिर 300 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 3445 रुपये, ठीक है। 3445 रुपये मैंने आज मेरी जो है ना ये अर्निंग है, ठीक है। तो टोटल मैंने जो राइडें की है ना, वो पहली राइड मैंने 1500 की थी, इनको यहाँ बैरिया टाउन फेज़ 8 से पिक किया था और खाना पुल के पास जाके मैंने ड्रॉप कर दिया था। वैसे ये ड्रॉप करना था लेकिन जो है ना वो उनको रास्ते में कॉल आ गई थी, खाना पुल से किसी ने पिक कर लिया। तो फिर उसके बाद जो अगली राइड मुझे मिली है वही खाना पुल के पास से अलूर कानूनी से मिली है मुझे। तो वो मिली है मुझे तकरीबन 590 रुपये की। फिर मुझे वहाँ से अयेर से मिली है, फिर शमशाबाद की, फिर उसके बाद सेटला टाउन से मैं चला गया जुबली जो है गोल्डन जुबली सोसाइटी है वहाँ पर। फिर आखिरी राइड मैंने अभी उतारी है यहाँ गोल्डन जुबली के बाहर से पिक किया, बहरिया फेज़ 8 छोड़ दिया, ठीक है। तो टोटल मेरी राइडें हुई हैं 1 2 3 4 5, टोटल मैंने 5 राइडें की हैं और मैंने 3400 रुपया कमाया, ठीक है, 3445 रुपये। तो 3445 रुपये मैंने कमा लिए। मेरी गाड़ी आज जो चली है वो तकरीबन 78 किलोमीटर चली है। तो बाकी पेट्रोल जो है मेरा लग गया होगा अराउंड, आप ये कर लेंगे 5 लीटर पेट्रोल, ठीक है। मतलब कि क्योंकि वैसे तो 80 ये बन रहा है, 80 किलोमीटर दिखा रहा है, तो 80 किलोमीटर के 4 लीटर पेट्रोल होता है, लेकिन मैं इसको 4 की जगह मैं इसको ले जाता हूँ 5 लीटर पर, ठीक है। तो अगर 4.5 लीटर भी करें ना तो आपका बनता है 1500 और 1600 या 1700 का कर लें, ठीक है। 1700 का मेरा आज पेट्रोल लग गया और 3000 की मेरी अर्निंग भी आप कर लें, 300 रुपये कमीशन हो गया, तो ये तकरीबन मेरा 2000 का मेरा आज खर्चा हुआ है, ठीक है। तो 2000 को अगर 2000 रुपये हम निकालें, कितने पैसों में से 3445 में से 2000 निकालें, तो एक ये बचते हैं 1445 रुपये, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और मसला ये है कि मेरी अर्निंग वहाँ पे ख़राब हुई है पहली राइड पे, ठीक है ना। आज मैंने एक्सपेरिमेंट किया एक पहली राइड लेके, बड़ी राइड थी I8 की जो कि 1500 रुपये की थी, ठीक है ना। अब यहाँ बैरिया फेज़ 8 से मैं गया अपना I8, ठीक है, 1500 रुपये में AC के साथ। आपको पता है आप बैरिया फेज़ 8 से आप जब निकलते हैं ना, फिर फेज़ 7 आता है, फिर फेज़ 7 से आपके आता है DH1 आता है, और बीच में इतने बेशुमार जंप है ना कि DH1 के मैंने जंप गिने हुए हैं जो स्पीड ब्रेकर होते हैं, DH1 के जो सिर्फ DH1 के स्पीड ब्रेकर हैं वो उनकी तादाद 14 है। 14 स्पीड ब्रेकरों से आपको गुजर के जाना पड़ता है हाईवे पे बाहर GD रोड पे, ठीक है। 14 तो ये हो गए। अब बैरिया फेज़ 8 से लेके फेज़ 7 तक कितने स्पीड ब्रेकर हैं वो मैंने कभी काउंट नहीं किया, ठीक है, वही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप जब इस तरह स्पीड ब्रेकरों पे आप गाड़ी लेके जाते हैं ना तो आपका पेट्रोल ज़्यादा लगता है, ऊपर से AC चल रहा हो तो फिर और ज़्यादा पेट्रोल लगता है, ठीक हो गया। तो मुझे याद है मैंने कल काम नहीं किया वैसे ड्राइव का, मैंने वीडियो भी नहीं डाली। कल मैं एक काम से गया था बैरिया टाउन फेज़ 8 से शमशाबाद, ठीक है। तो आप यकीन करें मैं उधर से सवारी लेके गया बैरिया फेज़ 8 से, और फेज़ से बैरिया से शमशाबाद ले गया विदाउट AC, मिनी राइड थी, उनको मैं ले गया हूँ 1200 रुपये में, ठीक है। कितने 1200 रुपये में बैरिया से शमशाबाद, ठीक है, और मरी रोड से गया था मैं, तो उसमें मुझे बचत हुई थी। मगर ये जो राइड थी ना बैरिया से आपको जाना हो अगर I8 में और विद AC, तो मेरे ख़्याल में बग़ैर AC के ना 1500 होना चाहिए, विद AC 1500 जस्टिफाई नहीं करता, ठीक है ना। तो बाकी ये है कि मैं इस तरह की राइडें लेता नहीं हूँ वैसे, ये जो होती हैं राइडें आप 1500 में जो इस तरह चले जाएं, तो क्योंकि ये बैरियर बना मार खा जाता है यहाँ के रश की वजह से। हाँ अगर हो ना विदाउट AC तो फिर तो बंदा चला जाए, कोई इशू नहीं है। जैसे मैं पहले भी एक जगह गया था बैरिया फेज 7 से मैं चला गया था E11, ठीक है, 1600 रुपये में, तो बग़ैर AC के गया था, तो ठीक थी वो राइड भी, लेकिन ये है कि AC के साथ जो अगर आपने जाना है ना तो फिर आपका फेयर अच्छा होना चाहिए। तो क्योंकि आप AC वाली राइड ऐसी होती है ना उसमें जो कस्टमर होता है नखरे बहुत करता है, ठीक है ना। वो कस्टमर AC वाली राइड करके ना वो समझते हैं मैंने जो है ना मैं बहुत जो है ना अमीर बंदा हूँ और मैं जो है ना अब बड़े नखरे करूँगा, नखरे करता हुआ बाहर आता है, फिर उसके बाद 100 बातें करता है, AC आपका तेज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब 100 ड्रामे। तो ये ड्रामे ना देखने के लिए मैं AC की राइड
बहुत कम उठाता हूँ। तो एसी वाले कस्टमर और विदाउट एसी वाले कस्टमर के दरमियान में जो फ़र्क होता है ना, वो ज़मीन आसमान का होता है। आप जब मिनी की राइड लेके जाते हैं ना, उसका कस्टमर जो होता है ना, उसका एटीट्यूड अलग होता है। और अगर वही बंदा एसी की राइड करते हैं और आप उसको एसी की राइड पे लेके जा रहे हो, तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ही मुझे बड़ी बुरी लगती है, ठीक है। तो हालांकि अब कस्टमर जो होता है ना, आज मैंने बिठाया जिससे बैरिया से लेके गया हूँ शमशाबाद, आप यकीन करें 2 पे एसी मैंने 2 पे और टेम्परेचर सही मैंने कूल किया हुआ, वो मुझे आए कहते हैं जी 3 पे करो। तो इस तरह की फजूल हरकतें करते हैं। तो ड्राइवर में आके खैर आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। और आज की मैंने आपको बता दिया प्रॉफिट मेरा 1400 रुपये है, जो कि कम है आज के लिहाज से। और आज का काम जो है ना, सही प्रॉपर तरीके से नहीं किया। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। और मैंने वीडियो बनाई थी अभी एंगो पे, तो उस पर कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया। कई लोगों ने मतलब उस पर व्यू बहुत कम आए हैं, तकरीबन मेरे ख्याल 50-90 व्यू होंगे हार्डली। तो ये जो एंगो वर्सेस इन ड्राइवर वाली वीडियो है ना, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप अपने दोस्तों से शेयर करें, आप अपने ग्रुप में इसको शेयर करें, किसी इन ड्राइवर का ग्रुप है ना व्हाट्सएप वाला, उसमें आप इसको शेयर कर दें। अगर फेसबुक पे है तो फेसबुक के ग्रुप में आप शेयर कर दें। तो उससे ये होगा कि काफ़ी लोग जो है ना, जो एंगो चला रहे हैं, वो उनको पता चल जाएगी रियलिटी, ठीक हो गया, क्योंकि अभी लोगों को नहीं पता। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ना कम फेयर पे जा रहे हैं, उनको पता भी नहीं है। तो मेरी वीडियो से उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। बाकी आज तो मैं इस्लामाबाद में था, बड़ा बैड सीन मतलब कि एक्वा खड़ी है, करोला खड़ी है, एल्टस खड़ी है और होंडा सिटी खड़ी है। तो वहाँ पे उनका जो फेयर था वो मिनी मेरान से बराबर ही था, मतलब कि उसने जो वैगनार वाला फेयर दे रहा था वही बड़ी गाड़ी वाले दे रहे थे, जो फेयर आल्टो वाला दे रहा है वही फेयर एक्वा वाला दे रहा है, ठीक है, जो फेयर सिटी वाला दे रहा है वही फेयर ना वैगनार वाला दे रहा है। तो इतना मतलब बैड सीन है ना, वो इस्लामाबाद में आप जाओ ना तो यही बड़े मसले होते हैं, ठीक है ना। अब पिंडी में ये बड़ी गाड़ियाँ कम आती है, ठीक है, उनको पता है इधर जो है ना रोड ख़राब है, ये है वो है। तो खैर मैं तो वहाँ से भागा, फिर मैंने कहा यहाँ से निकलो, यहाँ पे जो है ना काम नहीं होना, यहाँ पे एक तो शॉपर खड़े और ऊपर से वैसे ही चलो एक्वा वाला समझ आता, उसकी एवरेज 35 किलोमीटर है 1 लीटर में। अल्टस और करोला सिटी वालों की मुझे समझ नहीं आती, वो किस खुशी में जो है ना आल्टो के बराबर वाला रेट मांगते हैं, इनको शर्म नहीं आती पत्नी, या तो उनको काम करना आता नहीं है।